नमस्ते दोस्तों, देसी दिल्ली चैनल पे आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज बनाने जा रहे हैं गुड़ तिल का पेड़ा, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी भी है। तो शुरू करते हैं ये रेसिपी। एक कप सफ़ेद तिल लेंगे और उसे लो फ्लेम पे भुनेंगे। इसे लगातार हम चलाते रहेंगे। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके चटकना शुरू हो गया है और ये फूल भी गया है पहले से ज़्यादा। अब इस समय हम इसे गैस से उतार लेंगे और ठंडा होने देंगे। उसी पैन में 150 ग्राम खोया, जो ये कल की सूखी हुई है। आप चाहे तो इस रेसिपी को मिल्क पाउडर से भी बना सकते हैं। इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से खोआ को भून लेंगे। 2 मिनट के बाद हम इसमें 1/4 कप धागे वाली मिश्री डालेंगे और 2 चम्मच दूध, और इसे अच्छी तरीके से मिला देंगे, लेकिन गैस का फ्लेम लो रखें। इसे लगातार चलाते हुए मिक्स कर लें। यहाँ पे मैं 1/4 कप दूध इस्तेमाल की है। जब अच्छे से घुल जाए, उसके बाद इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर और इसे लगातार चलाते रहेंगे। जब खोआ अच्छी तरीके से घुल जाए और गाढ़ा हो जाए, तो हम यहाँ पे डालेंगे पिसा हुआ तिल का पाउडर, जो मैंने इसे ठंडा करके पल्स मोड पर पीस लिए थे। अब हम इसमें मिला देंगे और इसे लगातार चलाते रहें और अच्छे से मिक्स कर लें। लगातार चलाते रहने से जो भी गुठली होंगी वो बिल्कुल एक साथ एक तरह से मिल जाएंगी। इस रेसिपी में आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे मैंने धागे वाली मिश्री को पीस कर डाले हैं, वहीं पे आप 1/4 कप या ज़्यादा मीठा चाहते हैं तो 3/4 कप गुड़ डाल सकते हैं बारीक क्रश करके, और इसे लगातार लो फ्लेम पर ही चलाते रहें और इसे भुनें। इससे जब तक हम भूनेंगे तब तक इसमें से घी ना छोड़ें। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल घी छोड़ देगा। अब इसे कढ़ाई से निकालकर हम इसे ठंडा होने देंगे। जब हल्का ठंडा हो जाए, उसके बाद हम इस तरह से पेड़े की शेप में बना लेंगे। इस तरह से बना लें। आपके पास कोई सा भी साँचा हो, उस पर आप रख के इस तरह से पेड़े का शेप दे दें। थोड़ा ठंडा होने के बाद घी और छोड़ता जा रहा है ये। इसी तरह से सभी पेड़े को बनाकर तैयार कर लें और इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लें। देखिए, बनकर बिल्कुल तैयार हो गया और बहुत ही जल्दी बन गया। ये रेसिपी आपको भी पसंद आएंगी। वीडियो देखने के बाद रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।